शरीर के भीतर जो भी पुराना मल भरा पड़ा है सूक्ष्म रूप से, स्थूल तो ये एनिमा हटा देगा, ये क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला जूस वो हटा देगा, स्थूल को ये हटा देगा, लेकिन सूक्ष्म जो इंप्यूरिटी है, अशुद्धि है, टॉक्सिन है, इसको तो केवल और केवल ये फास्टिंग ही हटा सकता है। इसलिए भी फास्टिंग की महत्ता है। तो जैसे जैसे इस सूक्ष्म टॉक्सिन हटता जाता है, हमारे शरीर से रोग हटते जाते हैं, ये पहला फायदा है। टॉक्सिन हटने से कमजोरी हटती है, यानी चश्मे ही तो निकल जाते हैं, हाथ पैर जो हम नहीं हिला सकते थे, फ्रोजन शोल्डर था, जो कुछ था, चल नहीं पाते थे, अब दौड़ने लगेंगे। तो ये फिजिकल लेवल पे हमें फायदे होने लगेंगे, ऐंद्रिक लेवल पे कमजोरी हटकर शक्ति का जागरण होगा और आगे बढ़कर मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल सभी लेवल पे, यानी कि दैहिक, ऐंद्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक और आत्मिक सभी लेवल पे ये फास्टिंग से फायदा होता है। धीरे 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 हम प्रभु के करीब आने लगते हैं, तो ये फास्टिंग से ही हो सकता है। इसलिए सभी धार्मिक शास्त्रों ने, स्क्रिप्चर्स ने, धर्म ग्रंथों ने ये महत्ता बताई है फास्टिंग की। अब कोई भी धर्म ग्रंथ ले लो, सभी में यदि इससे नुकसान होता तो कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं बताते, लेकिन हमारा जो ग्रंथ, हमारा जो मैन मेड साइंस, विज्ञान, हमारे शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, हाँ, उन्होंने ये सब कुछ गलत दिखाया है, क्योंकि उनके पास दिशा ही गलत है, सही दिशा नहीं है, उनके चश्मे ही गलत है। हाँ, हम देखो क्लियर ग्लास वाले चश्मे हैं तो सृष्टि जैसी है वैसी दिखेगी, लेकिन इसके अलावा कोई ग्लास के चश्मे पहन लेंगे, लाल पहन लेंगे, तो इस सृष्टि का कलर टोटली बदल जाएगा। सृष्टि का नहीं बदलता, हमारी दृष्टि का बदल जाता है। पीले रंग के पहन लेते हैं, हरे रंग के पहन लेते हैं, तो इस हिसाब से हमें सृष्टि बदली बदली नजर आती है। सृष्टि नहीं बदलती, सृष्टि तो जैसी है वैसी है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाती है ये ग्लास के कलर के हिसाब से। तो ये बदलना है तो हमें ये चश्मे सही पहनने होंगे, और सही चश्मे, सही ज्ञान वो भगवान ने दिया है दिव्य शास्त्रों में, दिव्य वाणी में, तो इस हिसाब से हमें इसका पठन करना जरूरी है, जो हम करते ही नहीं है। हाँ, हम देखेंगे हमारे घर में कोई शास्त्र होंगे ही नहीं, और है तो केवल पूजा पाठ करते हैं, हाँ, जीवन में अपनाते नहीं। तो ये फास्टिंग का महत्व एक तो व्यक्ति के तौर पे है, व्यक्तिगत, हमें खुद से, खुदा से मिला देता है, आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। अब हम देखें वैश्विक भी फायदा है। हम सब जानते हैं भारत में एक बार इमरजेंसी कोई ऐसी आ गई, वॉर हो गई पड़ोसी से, तब लाल बहादुर शास्त्री हमारे
प्राइम मिनिस्टर थे, चावल मंगवाना पड़ता था बाहर से, तो इसके बदले में डॉलर देना पड़ता था, यानी कि हमारी जीडीपी बहुत कमजोर होती जा रही थी। तो ये इकोनॉमी को भी कुछ हद तक मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उन्होंने अपील की थी भारतवासियों को कि केवल हफ्ते में एक दिन एक बार चावल खाना बंद करो। देखो, हफ्ते में केवल एक दिन एक बार चावल खाना बंद करते हैं तो भी कुछ इकोनॉमी को बूस्टिंग मिलता है, जबकि हम तो यहां पूरा खाना बंद करते हैं। तो ये देश को कितना फायदा होगा? मान लो हमारा, ये भारत की बात करें तो 140 करोड़ की आबादी, केवल एक दिन खाना बंद करते हैं, केवल एक दिन 140 लोग नहीं खाते हैं, ये केवल कल्पना करते हैं, ये जब भी होगा तब, लेकिन आज कल्पना करें तो एक दिन का एक व्यक्ति का खाना, इसके पीछे जो खर्च होता है कम से कम लगा ले तो 200 रुपये, हाँ कम से कम इतना तो पड़ ही जाता होगा ऑन एन एवरेज। हाँ, जब शादी ब्याह में जाते हैं 2000 की भी डिश होती है, इसके हम यहां नहीं, हाँ जो अमीर लोग हैं उनका खाना शायद 1000-2000 का होता होगा, और गरीबों का खाना 100 रुपये में भी वो पूरा हो जाता होगा, लेकिन हम यहाँ एवरेज लगा लेते हैं तो एवरेज एक व्यक्ति का 200 रुपया लगा दें और 140 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हो जाएगा? 28,000। केवल एक दिन में इतनी सेविंग हो जाएगी, इतनी बचत हो जाएगी। और नवरात्र करते हैं, ये 10 दिन करते हैं तो 10 गुना ज्यादा। हाँ, केवल एक नवरात्र का आप अंदाजा लगाओ तो ये भारत के पास कितने, हाँ कितनी योजनाएं इससे हो सकती है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड में भी हम देखें, भौतिक जगत में भी देखें, तो ये जीडीपी बढ़ना कितना सरल है। तो ये वैश्विक भी बात करें तो विश्व की आबादी शायद आज हम कह सकें 800 से 900 करोड़ की होगी, तो ये सारे विश्व में कितना वो खर्च अननेसेसरी जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। दूसरा, रोग नहीं रहेंगे तो दवाइयों के पीछे आज कितना खर्च होता है व्यक्तिगत और वैश्विक, वो भी कम हो जाएगा। तो इसके पीछे जो पढ़ाई का खर्च होता है, आयुर्वेदिक कॉलेज, एलोपैथिक कॉलेज, नेचुरोपैथिक कॉलेज, हाँ ये सारा, ये भी कितना आप अंदाजा लगाओ, ये भी बंद हो जाएगा। अब जब हम फास्टिंग करने लगते हैं, सही दिशा मिलने लगती है, तो अब हम खेती में पकाया हुआ ये भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भगवान देते हैं खा लेते हैं, अन्य प्राणी जैसे खा लेते हैं,
तो खेती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब खेती नहीं होगी, व्यापार नहीं होंगे, हाँ, तो अब ऐसी दुनिया बन जाएगी कि जिसके आग हम कल्पना भी न कर सकें। और ये सही में वैसी ही दुनिया भगवान ने बनाई है, लेकिन ये खाना खाकर, गलत खाना खाकर हमने इस सृष्टि को मान लो कि जो एक स्वर्ग सी सृष्टि बनाई थी भगवान ने, इसको हमने नरक में तब्दील कर दिया है, बदल दिया है। तो ये हमारी गलती का परिणाम है, इंसान की और किसी की नहीं। देखो, और कोई गलत खाना नहीं खाते, तो उनको फास्टिंग की भी जरूरत नहीं। उनको दो तरीके से नहीं जरूरत है, एक तो सही खाना खाते हैं, डिजाइन फूड खाते हैं, इससे उनको कोई रोग नहीं होते। फिर भी आप देख लेना, मैं तो देहाती हूं, छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, मुझे पता है, मैं पशुओं से जुड़ा हूं। जब पशुओं को भी हम गलत खाना खिलाते हैं, जो हमारे पालतू पशु हैं, तो उनको भी कभी कभार रोग हो जाते हैं, लेकिन उनको पता है कि गलत खाना खाने से हुआ, तो अपने आप बिना बताए वो फास्टिंग कर लेते हैं। जब तक ठीक नहीं हो जाता, तब तक वो खाना पीना छोड़ देते हैं, चाहे कोई पशु हो चाहे पक्षी हो, न खाते हैं न पीते भी हैं। आप भी ये देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पशुओं को भी पता है जो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज में गलत सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जबकि ये लोग स्कूल कॉलेज जाते नहीं हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उनको इतना तो फायदा है कि वो कैलोरी या ऐसा कुछ गलत सोच के नहीं खाते हैं। वो केवल कॉमन सेंस से अपने लिए, जो अपने सृजनहार ने जो भोजन दिया वो ही भोजन खाते हैं, और इस हिसाब से उनको कुछ नहीं होता। कुछ हो भी गया तो वो